हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव हो जाए, बच्चे जुड़ जाएं फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को अपने। इसी क्रम में क्लास चल रही थी, जो टॉपिक चल रहा था क्लास के अंदर वो था अपना सेफ्टी डिवाइसेस की सुरक्षात्मक युक्तियां। जो था वो टॉपिक चल रहा था सुरक्षात्मक युक्तियां, या फिर प्रोटेक्टिव डिवाइस भी इसको आपने कह सकते हैं। और पीछे कल की क्लास में जो था वो फ्यूज पढ़ दिया था अपनों ने, फ्यूज पढ़ दिया था कंप्लीट। फ्यूज के अंदर कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ फ्यूज है। कल मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था। आज थोड़ा लाइटली अपने जो है टाइप ऑफ फ्यूज के बारे में जान लेते हैं कि फ्यूज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और फ्यूज जो है कौन कौन सा फ्यूज कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन भी दिल्ली मेट्रो में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में भी अपने बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एमसीबी और नेक्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है टाइप ऑफ फ्यूज। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप ऑफ फ्यूज। आवाज की और वीडियो की टेस्टिंग सारे कर लेना। आवाज सही आ रही है, दिख रहा सही है ना सभी को? ये सारे बच्चे टेस्ट करके मुझे एक बार थम्स अप कर दो कि सर आवाज सही है और वीडियो क्वालिटी सही है। इसके लिए सारे बच्चे थम्स अप कर दो और शेयर करो बाकी बच्चों को जो जुड़े नहीं है क्लास में। आज बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं क्लास के अंदर अपने को। टाइप ऑफ फ्यूज आज का टॉपिक है अपना, और उसमें मैंने कल आपको बताए थे फ्यूज जो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था लो वोल्टेज फ्यूज। फर्स्ट टाइप जो कल अपनों ने पढ़ा था वो था लो वोल्टेज फ्यूज। लो वोल्टेज फ्यूज, और लो वोल्टेज फ्यूज में दो टाइप पढ़े थे अपनों ने। पहला ए टाइप था जिसको बोलते हैं सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। इसको बोलते हैं सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। दूसरा अपनों ने पढ़ा था एचआरसी फ्यूज। दूसरा अपनों ने कल लिखा था एचआरसी फ्यूज, ठीक है। पहले अपने बात करेंगे लो वोल्टेज फ्यूजेस के बारे में, और उसके बाद जो है वो अपने बात करेंगे हाई वोल्टेज फ्यूजेस के बारे में। लो वोल्टेज फ्यूज में सबसे पहले जिसकी आप बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, वो सेमी एनक्लोज टाइप रिवायरेबल फ्यूज है। और सेमी एनक्लोज टाइप रिवायरेबल फ्यूज में ही आता है, आपने एक नाम सुना होगा किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज जो है वो किसकी कैटेगरी में आता है? सेमी एनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज की कैटेगरी में ही आता है। किटकैट फ्यूज जो होता है, देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल किटकैट फ्यूज जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किटकैट फ्यूज जो होते हैं वो लो वोल्टेज पर, लो वोल्टेज पर लगभग 3000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। लो वोल्टेज पर लगभग 3000 एम्पियर तक ये बनाए जाते हैं। और इसका इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट में पहला जो पार्ट होता है उसको अपने बोलते हैं बेस भाग। क्या बोलते हैं? बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। और दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है करियर भाग। करियर, जिसको आप बोल सकते हो टॉप, जिसको आप क्या बोल सकते हो? टॉप बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो? टॉप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को एक साथ। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो आपके पास में इसके जो पार्ट होते हैं बेस और करियर, दोनों ही जो हैं वो किसके बने होते हैं? दोनों ही बने होते हैं पोर्सलिन के। दोनों ही किसके बने होते हैं? पोर्सलिन के बने होते हैं। और देखो इसके ये जो फ्यूज होता है लो वोल्टेज किटकैट जो फ्यूज होते हैं, ये यूज होते हैं सामान्यतः घरेलू व औद्योगिक स्थानों पर, यानी दोनों ही जगह पर यूज हो सकते हैं। उद्योगों में भी आप इसका यूज कर सकते हो, और घरों में भी जो है आप किटकैट फ्यूज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किटकैट फ्यूज जो होते हैं, किटकैट फ्यूज जो होते हैं, यहां पर अगला पॉइंट लिख देता हूं मैं, सस्ते बहुत होते हैं। सस्ते होते हैं, इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता, धारा वहन क्षमता लिख सकते हो आप इसको, धारा वहन क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
बढ़ाई जा सकती है। अब आप बोलोगे सर कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, फ्यूजिंग करंट जो है वो डिपेंड करती है किस पर, एरिया ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर और ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूज वायर। मैंने ये बताया था आपको, अगर आप फ्यूज वायर के एरिया को या लेंथ को बढ़ाकर, अपने नॉर्मली घरों में ये करते भी हैं कि फ्यूज वायर की लंबाई को बढ़ाकर उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो जो आपके किटकैट फ्यूजिस होते हैं इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी को तार की लंबाई बढ़ाकर आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगला जो फ्यूज है वो आपके सामने है एचआरसी फ्यूज। ये इस किटकैट फ्यूज से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन किटकैट फ्यूज से एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये जो किटकैट फ्यूज होते हैं ये कितने एम्पियर से स्टार्ट हो जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 0.5 एम्पियर से, या अपने ये कह सकते हैं 5 एम्पियर से लेकर लगभग मैक्सिमम 3000 एम्पियर तक इनको डिजाइन किया जा सकता है। 5 एम्पियर का फ्यूज अपने घरों में यूज करते हैं, 16 एम्पियर का भी घरों में यूज करते हैं, 32 एम्पियर का भी घरों में यूज करते हैं, और आपने देखा होगा लगभग 32 एम्पियर के फ्यूज 3 फेज के लिए सप्लाई के लिए यूज होते हैं। सिंगल फेज में आप जो फ्यूज यूज करते हो वो 16 एम्पियर तक मैक्सिमम यूज करते हो या 5 एम्पियर का यूज करते हो सारे, ठीक है। ये चीजें तो आपको शायद क्लियर होगी क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट फ्यूज जो अपने पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो फ्यूज है आपके सामने वो है एचआरसी फ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है एचआरसी फ्यूज, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो बहुत कॉमन होता है एचआरसी फ्यूज के लिए, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। कल भी मैंने आपको एचआरसी फ्यूज का और किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर लिखाया था। किटकैट फ्यूज के लिए, किटकैट फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान यानी KF का मान कल मैंने बताया था आपको 1.4, ये आपको याद रखना है। और फ्यूजिंग फैक्टर होता क्या है तो मैंने आपको बताया था, फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का जो रेशियो होता है यानी कि प्रगलन धारा और निर्धारित धारा का जो अनुपात है उसको फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, और फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज आपने क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरा एचआरसी फ्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वरना मैंने आपको कहा था कि सब लोग जो हैं वो एक कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो। अगर आपके पास मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, अगर आपके पास में 1 क्लास स्टडी के नोट्स हैं तो उन नोट्स में अगर कुछ कम है तो ऐड कर लो, और अगर ज्यादा है तो उसको अंडरलाइन करते जाओ कि ये पॉइंट जो है वो अपनों ने पढ़ दिए, ठीक है। लेकिन आप सीधा वीडियो को ना देखें, सीधा देखोगे तो आप लोग जो है वो कुछ समय के लिए याद रख पाओगे, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। और मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन भी आपको कल दी थी, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 क्लास स्टडी जो अपना चैनल है उसी के द्वारा एक ऐप डिजाइन करवा रहे हैं हम। ऐप का नाम होगा साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी जो है उसकी ऐप पर आपको जो है ये क्लासें मिलने लग जाएगी, बिल्कुल लाइव कोर्सेस मिलने लग जाएंगे, और किसी प्रकार से कोई भी क्लास की छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर क्लासें चलेगी, मॉक टेस्ट चलेंगे, मैंने आपको बता दिया था वैसे ही, ठीक है। और आप लोग जो है एक बार अपने यहीं चलते हैं यूट्यूब पर ही, उसके बाद में अपने जो है साइंस अकेडमी की ऐप पर जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी वहां से डाउनलोड करेंगे। लिंक आपको जिस दिन क्लास में मिलेगा मैं बता दूंगा कि आज आपको लिंक मिलेगा, तभी आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। लेकिन रिमाइंड रखनी है इस बात को, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एचआरसी फ्यूज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इसको आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं, देखो सबसे पहले इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, एचआरसी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख देता हूं मैं, एचआरसी का पूरा नाम होता है हाई रिप्टरिंग कैपेसिटिव फ्यूज। इंग्लिश में बोलते हैं हाई रिप्टरिंग कैपेसिटिव फ्यूज, दिखाई दे रहा है सभी को, और हिंदी में बोला जाता है इसको उच्च विदारक क्षमता फ्यूज। हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च विदारक क्षमता फ्यूज, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, देखो सबसे पहली विशेषता तो ये है, यह ओवर करंट को कुछ समय के लिए सहन कर सकता है, कुछ समय के लिए सहन कर सकता है। सहन करने का मतलब ये हो गया कि मान लो जरूरी थोड़ा है कि जो आपका सर्किट है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट या
कई बार क्या होता है, लोड ज्यादा बढ़ने के कारण जो आपकी फ्यूजिंग करंट है वो रेटेड करंट से ज्यादा तो हो जाती है, लेकिन अगर फ्यूज जल गया तो आपको पता है फ्यूज को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और एचआरसी फ्यूज एक ऐसा फ्यूज है जिसको जो रिवायरेबल नहीं होता, एचआरसी फ्यूज एक रिवायरेबल फ्यूज नहीं होता है। अगर एचआरसी फ्यूज आपका जल गया तो आपको फ्यूज बदलना ही पड़ेगा, इसलिए इसकी वायर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि कुछ समय के लिए ये जो हाई करंट आएगा उसको सहन कर लेगा। अगर हाई करंट आने के बावजूद फॉल्ट दूर नहीं होता है तो कुछ समय बाद जो है ये आपका फ्यूज जो है ये पिघल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। इतना ज्यादा समय नहीं लेता, 5-10 मिनट नहीं लेता टूटने के अंदर, मिली सेकेंड में टाइम लेता है, 2 से 3 मिली सेकेंड जो है इसका जो ब्रेकिंग टाइम होता है एचआरसी फ्यूज का। ठीक है, अभी आप इसकी मेन फैक्ट्स जो है वो मैं लिखा देता हूं आपको। मेन फैक्ट्स ही हैं सारे ये जो अपने लिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं ये सारे क्या हैं, फैक्ट्स हैं सारे, ये सारे फैक्ट्स हैं एचआरसी फ्यूज के। जो जो फैक्ट्स एचआरसी फ्यूज में पूछे जाते हैं वो सारे हैं ये आपके सामने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं एचआरसी फ्यूज के कुछ और फैक्ट्स। यह पूर्णतः वायु रुद्ध होता है, पूर्णतः वायु रुद्ध होता है। वायु रुद्ध का मतलब क्या हो गया वो भी मैं आपको बता दूंगा, ग्राफ आपको जो एक डायग्राम से समझा दूंगा। यह रिवायरेबल नहीं होता, रिवायरेबल नहीं, या रिवायरेबल या रिपेयर प्रकार का नहीं होता, रिपेयर प्रकार का नहीं होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि एक बार अगर ये फ्यूज जल गया तो आप इस फ्यूज को दोबारा से रिवायर नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। फ्यूज जल गया तो आपको फ्यूज को बदलना ही पड़ेगा, यही इसका एक जो कहते हैं ना अपने, एक रास्ता है और कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। ठीक है, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर KF कितना होता है, 1.1। DMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, DMRC में आया हुआ ये क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। ये क्वेश्चन एक बार DMRC में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है कि एचआरसी फ्यूज जो होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। चलो नेक्स्ट देखो अपने पास में अगला पॉइंट है, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख देते हैं एचआरसी फ्यूज की ब्रेकिंग क्षमता, क्षमता किटकैट से अधिक होती है, अधिक होती है। और यूज कहां पर होता है ये, यह है सबस्टेशन या फिर उत्पादन केंद्र, हिंदी में इसको लिख सकते हैं उत्पादन केंद्रों में। एचआरसी फ्यूज कहां पर यूज होता है, सबस्टेशनों या जो उत्पादन केंद्र है वहां पर आपका एचआरसी फ्यूज होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं अपने कि एचआरसी फ्यूज जो है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे बनता है। देखो एचआरसी फ्यूज जो होता है उसमें क्या होगा अपने थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। इस प्रकार से एचआरसी फ्यूज का बाहरी कवर होता है, ये सिलेंड्रिकल टाइप होता है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलन आकार, सिलेंड्रिकल का मतलब हो गया ये बेलन आकार होता है। इस प्रकार से इसका जो है वो कवर होता है बेलन आकार, और कवर के ऊपर की तरफ पीतल की टोपियां होती है दो, इस प्रकार से पीतल की टोपियां हैं। ये आपके पास में जो दिखाई दे रहा है ये पीतल का या कॉपर का बाहरी कवर है, इसको कैप लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हो इसको, कैप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपके पास में कैप हो गई, यहां मैं अलग बना देता हूं कैप को, ये आपके पास कैप है एचआरसी फ्यूज की, दोनों तरफ ये कैप लगी होती है एचआरसी फ्यूज के इस टाइप से। और यहां पर ये दो आपके पास जो दिखाई दे रहे हैं ये एचआरसी फ्यूज के टर्मिनल होते हैं दोनों, ये एचआरसी फ्यूज का टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपके पास T1 हो गया और ये टर्मिनल आपके पास T2 हो गया। ठीक है, दोनों टर्मिनल के बाद बीच में
एचआरसी फ्यूज की वायर लगी होती है, ये वायर है फ्यूज वायर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है फ्यूज वायर कुछ इस प्रकार से बनी होती है, इस प्रकार से इसकी फ्यूज वायर बनी होती है कई बार से। ये थोड़ा सा आपको एडिशनल पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको, ये इस प्रकार से इसकी फ्यूज वायर लगी होती है बीच के अंदर, इस प्रकार से ये फ्यूज वायर है। और इसके बाद में इस फ्यूज वायर के चारों ओर, इस प्रकार से ये जो आपको चारों ओर दिखाई दे रहा है ये पाउडर भरा होता है, चारों ओर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये भरा होता है पाउडर, और ये पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो सकता है, या हो सकता है क्वार्टज हो सकता है, या जिप्सम हो सकता है, या क्या हो सकता है जिप्सम भी हो सकता है, ठीक है। इस पाउडर का काम देखो क्या होता है, एचआरसी फ्यूज में ये जो पाउडर आपको दिखाई दे रहा है इसका काम होता है जब फ्यूज के अंदर ओवरकरंट आती है उस कंडीशन में जैसे ही फ्यूज वायर जलता है तो फ्यूज वायर जलने पर जो ऊष्मा हीट जो बनती है ये काम करता है हीट को अवशोषित करने का, किसका काम करता है हीट को अवशोषित करने का काम जो है वो कौन करता है ये जो पीओपी क्वार्टज और जिप्सम का पाउडर एचआरसी फ्यूज में भरा हुआ है ये, ठीक है। और ये सारा जो मटेरियल है ये एक बेलनाकार मतलब फ्यूज को आप देखोगे तो दिखने में आपको यूं बेलन की तरह होगा ये, इस प्रकार से ये इसकी कैप, एक यहाँ कैप होगी और एक यहाँ पर कैप होगी और दो ये टर्मिनल हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो दिखने में ये जो सिलेंड्रिकल टाइप होता है और पूर्णतः एक कवर से क्या कर दिया जाता है, वायुरुद्ध एयर टाइट कर दिया जाता है, वायुरुद्ध का मतलब हो गया एयर टाइट, यानी कि हवा भी इसके अंदर नहीं जा सकती। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये फ्यूज जब जल जाता है, पिघल जाता है, टूट जाता है तो इसका पता कैसे चलता है, इसका पता कैसे चलेगा। देखो फ्यूज के बाहरी सतह पर इस प्रकार से एक जो अपने कहते हैं मोती, एक मोती लगा होता है, यह छोटा सा जो अपने ऐसे कह सकते हैं एक बिल्कुल गोल सा, जो एक ऐसे बोल सकते हैं जैसे समुद्र में मोती मिलते हैं उस प्रकार का एक मोती लगा होता है। जैसे ही फ्यूज वायर पिघलेगी वो मोती टूटकर निकल जाता है और आपको जो है वो जो अंदर का पाउडर है वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लग जाएगा, तो पता चल जाएगा कि जो फ्यूज है वो क्या हो गया, पिघलकर टूट गया है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है फ्यूज वायर का, हमेशा यहां से फ्यूज पिघलता है और ये इसलिए बनाया जाता है कि फ्यूज जो है उसमें अगर ओवर करंट आए तो इस पॉइंट पर आते ही धारा को वो क्या कर सकता है, थोड़ा ज्यादा सहन कर सकता है, ठीक है। हमेशा फ्यूज जो है वो, जो मैं ये इस प्रकार से ब्लैक कलर के साइन दे रहा हूं, यहां से फ्यूज पिघलकर टूटता है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, अगर इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, एचआरसी फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर अपने को बढ़ानी है तो अपने क्या कर सकते हैं, पैरेलल के अंदर और वायर जोड़ सकते हैं, पैरेलल के अंदर क्या कर सकते हैं, और अधिक वायर जोड़ सकते हैं। अगर पैरेलल में आप और अधिक वायर जोड़ देते हो तो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो डाटा आप लोगों ने सारा पढ़ा ये एचआरसी फ्यूज का डाटा था, ठीक है। और एचआरसी फ्यूज से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये एचआरसी फ्यूज कहाँ यूज होता है, सब स्टेशनों में यूज होता है और इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो कितना होता है, 1.1 होता है और पूरा नाम होता है हाई रिपीटिंग कैपेसिटी फ्यूज, हिंदी में बोला जाता है उच्च विदारक क्षमता फ्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्यूज की बात करते हैं, अपने अगले फ्यूज की बात करते हैं। अगले जो दो फ्यूज हैं अपने पास में उसमें से देखो कुछ नाम लिखता हूं मैं, और डीएमआरसी का क्वेश्चन जो अभी 2020 में आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगले जो फ्यूज है वो है हाई वोल्टेज फ्यूज, और हाई वोल्टेज फ्यूज में कल मैंने आपको पहला बताया था कार्ट्रिज फ्यूज, हिंदी में बोलते हैं कारतूस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कारतूस प्रकार का फ्यूज। सेकंड मैंने आपको बताया था लिक्विड फ्यूज, और कार्ट्रिज फ्यूज में मैंने आपको एक और टाइप बताया था फेरुल कॉन्टेक्ट कार्ट्रिज फ्यूज, फेरुल कॉन्टेक्ट कार्ट्रिज फ्यूज,
इसके अलावा कुछ फ्यूज और हैं, ग्लास फ्यूज देखा होगा आप सभी ने, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है ज्यादातर, या डी टाइप फ्यूज। डी टाइप फ्यूज भी कार्ट्रेज फ्यूज का ही पार्ट है। डी टाइप जो फ्यूज है वो भी किसके अंदर आता है, कार्ट्रेज फ्यूज में ही आता है। ठीक है, देखो भाई, हाई वोल्टेज, आपको वोल्टेज की रेंज पता है सभी को, वोल्टेज की रेंज होती है 0 से 250, 250 से 650, और या ऐसे बोल सकते हैं 250 से 650 तक, और उसके बाद में 650 से अधिक या 11 केवी तक, उसके बाद में 11 से ज्यादा। ये जो होती है ये लो वोल्टेज होती है, ये मीडियम वोल्टेज होती है, और ये क्या होती है, हाई वोल्टेज होती है। इस बारे में सभी को पता होगा, 0 से 250 लो वोल्टेज या निम्न वोल्टता, मध्यम वोल्टता और उच्च वोल्टता। उच्च वोल्टता 11 केवी होती है। तो उच्च वोल्टता पर जो फ्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज होता है, लिक्विड फ्यूज होता है, या फेरल कॉन्टेक्ट फ्यूज होता है, या एक ब्लेड टाइप फ्यूज होते हैं, या उन्होंने एक छोड़ दिया 3 नंबर, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिशन या एक्सप्लोशन भी बोल सकते हैं फ्यूज। एक्सप्लोजिव फ्यूज भी जो है वो भी किसके अंदर आते हैं अपने पास में, वो भी हाई वोल्टेज फ्यूज के अंदर आते हैं। ठीक है, और हाई वोल्टेज फ्यूजेस जो हैं, आपको सभी को पता है, हाई वोल्टेज फ्यूज घरों में यूज नहीं होते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज होते हैं जहां पर वितरण केंद्र स्थापित होता है, जहां पर वितरण केंद्र यानी कि जहां पर वोल्टेज का वितरण होता है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर आपके जो है वो हाई वोल्टेज फ्यूजेस यूज किए जाते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज जो होता है ये भी पूर्णतः वायुरुद्ध होता है। पूर्णतः क्या होता है, वायुरुद्ध प्रकार का फ्यूज होता है। वायुरुद्ध मतलब हो गया एयर टाइट प्रकार का फ्यूज। ठीक है, लिक्विड फ्यूज जो होता है इसके अंदर आपने जो HRC में पाउडर भरा था, पाउडर के स्थान पे इसमें जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का काम भी आप सभी को पता है क्या होता है, स्पार्किंग को रोकने का काम ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है। ठीक है, हाँ वही भाई, एक्सप्लोजन भी बोल सकते हो या एक्सप्लोजिव भी बोल सकते हो। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है पता है किसी को, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है एक तरीके से फटने वाला। आपने कभी नेट पे सर्च करके देखना, यू इस प्रकार का होता है एक्सप्लोजिव जो होता है ये फ्यूज, इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से दिखेगा आपको ये, इस प्रकार से, और ये ऐसे लगाया जाता है जो आपके इस प्रकार से डी प्रकार का क्लैंप होता है उस पे ये एक्सप्लोजिव फूल लगता है। ठीक है, तो ब्लास्ट भी होता है तो आवाज भी आती है इसकी, जब ये फ्यूज टूटकर पिघलकर टूटता है तो इसकी आवाज भी उठती है। ठीक है, ये तो फ्यूज के टाइप कंप्लीट हो गए अपने पास में। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा सेफ्टी डिवाइस, और दूसरा सेफ्टी डिवाइस जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाँ राहुल विश्नोई, बम नहीं, बम नहीं होता भाई, बम अलग चीज है ना, बम जितनी आवाज भी नहीं आती, आवाज जरूर करता है, बम जितनी आवाज नहीं करता, छोटी सी आवाज आती है। आपने लक्ष्मी बम का नाम सुना होगा दिवाली पे, उसके जितनी आवाज आती है, ज्यादा आवाज नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगला जो सेफ्टी डिवाइस है वो, और अगला जो सेफ्टी डिवाइस है वो आपके सामने है MCB। अब सर्किट ब्रेकर शुरू हो गए भाई, फ्यूज कंप्लीट हो गए, सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले अपने बात करते हैं MCB, पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ वियोजक। हिंदी में बोला जाता है लघु परिपथ वियोजक, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी एक प्रकार का आपके सामने जो है वो सेफ्टी डिवाइस है, और फ्यूज से थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, MCB सभी की देखी हुई है, तो इसके फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अपने। सबसे पहले इसके फैक्ट क्या होते हैं, MCB के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है MCB एक प्रकार की कैसी युक्ति है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक युक्ति है। अगर आपसे पूछा जाए MCB कैसा डिवाइस है तो आप क्या बोलोगे, सुरक्षात्मक युक्ति है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। सेकंड अगर अपने बात करें कि MCB फ्यूज से अधिक रिलायबल होती है,
या ऐसे बोल सकते हैं अधिक से सुरक्षित होती है। सुरक्षित होती है, सुरक्षित बताऊं तो कैसे, कि एमसीबी जो होता है, सुरक्षित होने का मतलब ये हो गया कि एमसीबी जो है वो आपको पता है बिल्कुल कवर्ड होती है बाहर से, बिल्कुल कवर्ड होती है। अगर उसको आप हाथ से ऑन ऑफ भी करोगे तो पूर्णतः सुरक्षा आपको मिल सकती है। दूसरी बात यह है एक ऑटो ऑटो ऑफ स्विच, ऑटो ऑफ स्विच, अंडरलाइन ऑफ बोल रहा हूं मैं, ऑटो ऑफ बोल रहा हूं, ऑटो ऑन नहीं बोल रहा। ऑटो ऑफ हो सकता है लेकिन ऑटो ऑफ ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह एक ऑटो ऑफ स्विच है, एक प्रकार का ऑटो ऑफ स्विच है। तो आप अपने क्या कह सकते हैं कि एमसीबी प्रोटेक्टिव डिवाइस होने के साथ साथ एक प्रकार से क्या है, स्विचिंग डिवाइस भी है। यानी यह प्रोटेक्टिव और स्विचिंग दोनों प्रकार के काम में यूज आ सकती है। सिद्धांत इसका क्या होता है आप सभी को पता होगा, या मैं बता देता हूं। सिद्धांत जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। एमसीबी दो सिद्धांत पर काम करती है। आपका फ्यूज तो एक ही सिद्धांत पर काम करता था, विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसके सिद्धांत पर फ्यूज काम करता था। लेकिन एमसीबी जो है वो दोनों सिद्धांत पर काम करती है। दो कौन सा, एक तो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, या दूसरा आपके पास होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको बोल सकते हैं ऊष्मीय सिद्धांत या ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब आपको ये तो पता होगा धारा का चुंबकीय सिद्धांत क्या होता है, सभी को पता है। बता देता हूं एक बार, चुंबकीय सिद्धांत के बारे में ओरस्टेड ने बताया था। ओरस्टेड ने ये बताया कि जब भी कोई मैग्नेटिक कॉयल है, जैसे मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक कॉयल है, इसमें मैंने कंडक्टर वायर का जो है वो स्पाइरल वाइंडिंग की हुई है। कंडक्टर वायर मतलब कॉपर की हो सकती है। जब भी किसी कंडक्टर वायर या स्पाइरल कुंडली के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो कुंडली के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। ओरस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी कुंडली में से धारा गुजारी जाए तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी सिद्धांत पर आपकी एमसीबी भी काम करती है। और जो हीटिंग इफेक्ट है वो दिया था जूल ने। जूल के नियम के बारे में आपने सुना होगा। जूल ने ये कहा था कि अगर किसी प्रतिरोधी तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस प्रतिरोधी तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा उत्पन्न, ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये जूल का नियम था। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो था उसको जूल ने बताया था, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो बताया था ओरस्टेड ने, ठीक है। ये दोनों ही सिद्धांत जो है अपने पढ़ चुके हैं पहले जो क्लासे हैं उसके अंदर। और अब देखो बात कर लेते हैं आप सिद्धांत की, एमसीबी की। सिद्धांत एमसीबी में कैसे काम करता है, देखो एमसीबी जो होती है आपको पता है एमसीबी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल करंट फ्लो करती है, और नॉर्मल करंट फ्लो करने से उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है जो एमसीबी के प्लंजर को ऑफ करवा सके, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन का मतलब फॉल्टी कंडीशन से है। फॉल्टी का अर्थ हो गया दोषित कंडीशन। जब सर्किट में दोष आता है तो करंट का मान सामान्य से बढ़ जाता है, और सामान्य से करंट का मान जब बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड सामान्य से अधिक बनता है, और सामान्य से अधिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो प्लंजर को क्या करेगा, रिपल्स कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे प्लंजर स्विच को क्या करवा देता है, ऑफ करवा देता है। इस प्रकार से आपका जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट में होता है बायमेटालिक स्ट्रिप। हीटिंग इफेक्ट में क्या करते हैं, बायमेटालिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। बायमेटालिक स्ट्रिप का मतलब हो गया द्विधात्विक पत्ती। जो बायमेटालिक स्ट्रिप होती है जब उसके अंदर से करंट का मान बढ़ेगा, तो आपको पता है करंट का मान बढ़ने से उत्पन्न ऊष्मा एच जो है वो करंट के वर्ग के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। धारा का मान अगर बढ़ेगा तो हीटिंग हीट जो है वो उसके स्क्वायर में बढ़ेगी, और हीट बढ़ने से जो बायोमेट्रिक स्ट्रिक जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, ठीक है। उस जो है वो अपने ये कहेंगे कि उसका जो है प्रसार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब उसका प्रसार होना शुरू हो जाएगा तो वो पत्ती यूं मुड़ जाएगी, और मुड़ते ही स्विच को क्या करा देती है, ऑफ करा देती है, ठीक है। तो इन दोनों सिद्धांत पर जो है वो आपकी एमसीबी काम करती है। आप ये नहीं कह सकते कि एमसीबी केवल मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम कर सकती है, और ये भी नहीं कह सकते कि एमसीबी केवल जो
हीटिंग इफेक्ट है, इस पर काम करती है। ठीक है, ये तो एमसीबी का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। और अगर अपने बात करें नेक्स्ट पॉइंट, अगर अगर और अपने बात करें एमसीबी परिपथ में श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है, श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है, यानी एमसीबी जो है वो जिस भी सर्किट में आप एमसीबी को यूज करोगे वो सीरीज में कनेक्ट होगी। यानी अगर आपको एमसीबी कनेक्ट करनी है यहां पर, जैसे ये मैंने एक पोल एमसीबी का सर्किट बना दिया, ये वन सिंगल पोल एमसीबी है, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो किसी भी लोड के साथ में किस पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ता है। ठीक है, एमसीबी हमेशा लोड के साथ या फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। ये बात आप ध्यान रखोगे कि एमसीबी जो होती है वो लोड के साथ किस में कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं एमसीबी के अंदर इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं, विशेषता क्या होती है। ठीक है, नंबर एक पर है रेटिंग, नंबर एक पर क्या है रेटिंग, और इसकी रेटिंग जो है वो 0.5 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक, बस ये ध्यान रखना है आपको। एमसीबी मैक्सिमम जो है वो 63 एम्पियर की बनाई जाती है, और कम से कम कितने की बनाई जाती है, 0.5 एम्पियर की। ठीक है, ये तो करंट रेटिंग हो गई। अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करें, वोल्टेज की बात करें तो 240 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट एसी या डीसी दोनों पर ये काम कर सकती है, 415 वोल्ट एसी या डीसी दोनों पर काम कर सकती है। लेकिन आपको पता है डीसी प्रकार की जो एसी जो एमसीबी आती है वो अलग आती है, जो आपने देखा होगा डीसी सीरीज एमसीबी की श्रेणियां होती है, एल श्रेणी, जी श्रेणी, डीसी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी, के श्रेणी, जेड श्रेणी, ये श्रेणियां होती है। श्रेणियां अपने आज तो खैर नहीं पढ़ेंगे, कल अपने एमसीबी की श्रेणियां पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले ये चीज जो बता रहा हूं उसमें आपको ध्यान रखना है, करंट रेटिंग एमसीबी की होती है 0.5 से 63 एम्पियर, यानी मैक्सिमम 63 एम्पियर की बनाई जाती है। अब आप कहोगे सर 63 एम्पियर से ज्यादा के लिए, तो 63 एम्पियर की ज्यादा के लिए इसके बाद दूसरा डिवाइस आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग होगी 63 एम्पियर, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी 10,000 एम्पियर, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है इसकी 10,000 एम्पियर। और अगर इसके लाइफ लाइफ की बात करें, या जिसको आप बोल सकते हो लाइफ या आयु काल, आयु काल जो होता है वो 1,00,000 ट्रिपिंग होता है। ट्रिपिंग का मतलब हो सकता है, होता है ट्रिपिंग का मतलब ऑफ होना, 1,00,000 ट्रिपिंग तक जो है वो आपकी जो आपकी एमसीबी है वो 1,00,000 ट्रिपिंग परफॉर्म करने के बाद में जो है वो खराब हो सकती है। जरूरी नहीं है खराब हो, लेकिन खराब क्या हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी का, एक बार थम्स अप कर दो, बोर हो गए होंगे सारे, एक बार के लिए सारे बच्चे थम्स अप कर दो। बोर तो नहीं हो रहे, थम्स अप नहीं आ रहा देखो किसी का भी। मिनिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी तो बताई दिया मैंने, 0.5 एम्पियर है। मिनिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि कम से कम कितने ब्रेक पर यूज कर सकते हो आप इसको, तो 0.5 मिनिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी है। सभी को अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, क्लास और चलेगी। समझ आ रहा है ना सभी को अच्छे से, चलो वेल डन। अब देखो लाइफ स्टाइल अपने बात कर लिया, लाइफ स्टाइल जो है वो 10,000 मैक्सिमम, ओहो ठीक है, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी 10,000 एम्पियर, या कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान रखना 10 किलो एम्पियर, या निम्मी की बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा 9 किलो एम्पियर। ध्यान रखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ में, तब उसका आंसर था 10 किलो एम्पियर, लेकिन निम्मी जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है आईटीआई और डिप्लोमा के लिए, वो 9 किलो एम्पियर बताती है फिक्स वैल्यूज। एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन, जितनी भी फिक्स वैल्यूज हैं वो आपको मैं लिखवाता हूँ, वो निमी की बुक से लिखवाता हूँ, आपको उसमें सोचने का कुछ भी जरूरत नहीं है, 1% भी आपको गलती नहीं होगी अगर आप एग्जाम में करके आ जाते हो तो। ठीक है, और लाइफ स्टाइल जो हो गया वो आपके पास 1,00,000 ट्रिपिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं ओवरलोड क्षमता, नेक्स्ट अपने बात करते हैं ओवरलोड क्षमता। ओवरलोड कैपेसिटी,
ओवरलोड जो कैपेसिटी होती है वो 15% अधिक होती है, 15% अधिक तक ओवरलोड हो सकता है, ये 15% अधिक तक आपकी एमसीबी जो है वो क्या हो सकती है, ओवरलोड हो सकती है। और अगर अपने बात करें तो पोल कितने होते हैं इसके अंदर, हिंदी में पोलों को बोलते हैं ध्रुव या खंबे, है ना, कई बार लिखा जाता है खंबे, खंबे का मतलब वो खंबे नहीं हो गए, जो इंग्लिश में पोल का मतलब होता है कितने पोल यानी कितने फेज या न्यूट्रल इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पोल कितने होते हैं, एमसीबी हो सकती है सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल या टीपीएन। टीपीएन का पूरा नाम होता है थ्री पोल विद न्यूट्रल, टीपीएन का पूरा नाम क्या होता है, थ्री पोल विद न्यूट्रल, टीपीएन का पूरा नाम होता है थ्री पोल विद न्यू। हाँ मंदीप बिल्कुल सही है, पोल जो होते हैं वो एक दो तीन और टीपीएन प्रकार के होते हैं, थ्री पोल विद न्यूट्रल लिंक या विद न्यूट्रल इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तो पोलों की बात हो गई, फेज की बात करें तो अपने अगर फेज की बात करें, फेज कितने फेज के लिए, तो आप क्या लिखोगे, सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज। सिंगल फेज के लिए भी यूज कर सकते हो, थ्री फेज के लिए भी यूज कर सकते हो और डीसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये इधर वाला मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, इधर थोड़ा और आपको इसके फैक्ट्स बता देते हैं, थोड़े फैक्ट्स और बता देते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या फैक्ट्स है। देखो इसके बाद आता है कॉस्ट हाई होती है, कॉस्ट का मतलब हो गया खर्चा ज्यादा लगता है, महंगी आती है भाई एमसीबी। फ्यूज तो आपको मिल जाएगा 5,000 रुपए का, लेकिन एमसीबी जो है वो थोड़ा हैवी आती है, बढ़िया कंपनी की एमसीबी जो आती है वो आपके पास में और भी महंगी आती है। फिर आते हैं इसकी श्रेणियां, एमसीबी की श्रेणी कैटेगरी, या इसको बोलते हैं सीरीज, कैटेगरी नहीं सॉरी सीरीज बोलते हैं। एमसीबी आती है एल श्रेणी, जी श्रेणी, यहां लिखता हूं मैं, एल श्रेणी आती है, उसके बाद जी श्रेणी आती है, उसके बाद डीसी श्रेणी आती है, उसके बाद आती है सी श्रेणी, डी श्रेणी, के श्रेणी, ठीक है। ये इस प्रकार से जेड श्रेणी, ये इस प्रकार से अलग अलग श्रेणी की एमसीबी आती है। श्रेणी का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है, जो आपकी सी श्रेणी डी श्रेणी, इनका मतलब हो गया, श्रेणी का सीधा अर्थ होता है इनकी ओवरलोड कैपेसिटी से या ओवर लोड या ब्रेकिंग कैपेसिटी से, ब्रेकिंग कैपेसिटी से मतलब ये हो गया कि श्रेणी के आधार पर एमसीबियां जो है वो अपने से कितना गुणा एक्स्ट्रा धारा सहन कर सकती है। वो सीरीज हैं, इनको अलग अलग पढ़ेंगे, अपने एल श्रेणी को अलग पढ़ेंगे, जी श्रेणी को अलग पढ़ेंगे, डीसी श्रेणी को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है वो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि एमसीबी की श्रेणियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एल श्रेणी की एमसीबी है, तो एल श्रेणी की एमसीबी जो है ये जो आपकी सर्किट होते हैं रजिस्टिव सर्किट वहां पर यूज होती है, जी श्रेणी की इंडक्टिव सर्किट में यूज होती है, डीसी श्रेणी के लिए डीसी के लिए, इसी प्रकार जो ये सी डी के जेड एमसीबियां हैं ये किसी ना किसी श्रेणी के लिए यूज होती है और इनकी कुछ विशेष ब्रेकिंग कैपेसिटियां होती है, ठीक है। वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, वरना मैं आगे अभी इसके बाद में जो क्लास है अभी एमसीबी बहुत बाकी पड़ी है, पहले अपने कुछ फैक्ट्स हैं उनको पढ़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एमसीबी श्रेणी के बाद में आता है एमसीबी की प्रोटेक्शन, कि आपको प्रोटेक्शन किस किस चीज से देता है, ये प्रोटेक्शन आपको देता है ये ओवरकरंट से, ओवरकरंट का मतलब अति धारा, या ओवरलोड से, ओवरलोड से, या शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से। एमसीबी ओवरकरंट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट तीनों से प्रोटेक्शन दे सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक क्वेश्चन आया और इसमें यह लिखा गया कि गुड मॉर्निंग दलीप गिरी, इतनी टाइम बाद कैसे आया भाई, तो क्लास तो खत्म होने वाली है लगभग, टाइम पे पहुंचा करो भाई सभी, ठीक है। अब देखो ओवर करंट का मतलब क्या हो गया, ओवरलोड का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं अति धारा, अति धारा, इसको बोलते हैं अति भार, और इसको बोलते हैं लघु परिपथ, इसको बोलते हैं लघु परिपथ। इन सब का मतलब देखो क्या हुआ, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया और आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसके लिए एमसीबी का यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ओवरलोड के लिए,
या ओवर करंट के लिए या शॉर्ट सर्किट के लिए। अब आपके पास में सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस जो है वो किसकी है, शॉर्ट सर्किट की है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसकी है, शॉर्ट सर्किट की है। यहाँ पर आप किसको सही करोगे, शॉर्ट सर्किट को। और यही सेम चीज फ्यूज के लिए, फ्यूज में भी सबसे ज्यादा ओवर करंट, देखो शॉर्ट सर्किट आएगा तभी तो ओवर करंट आएगी अपने पास में, ठीक है। और ओवरलोड जो है वो बाद की बात होती है, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट की बात जो है वो सेम सी ही होती है। तो आप ज्यादा जो इंपोर्टेंस दोगे वो किसको दोगे, शॉर्ट सर्किट को। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास आता है एमसीबी, की का स्थान या स्थापना 33 mm की डिन रेल, हिंदी में बोलते हैं डिन रेल, एमसीबी को पैनल बोर्ड में किस किस उपकरण की सहायता से जोड़ा जाता है, तो उसका नाम होता है डिन रेल। डिन रेल की सहायता से एमसीबी को पावर पैनल जो सर्किट होते हैं उनके अंदर स्थापित किया जाता है, 33 mm की डिन रेल। डिन रेल जो है ये इस प्रकार की एक स्ट्रिप आती है, पत्ती आती है इस तरीके की, उस पत्ती पर यूं दो खांचे से बने होते हैं, उन खांचों के अंदर आपकी एमसीबी जो है वो क्या हो जाती है, फिटेड हो जाती है, ठीक है। उसको डिन रेल बोलते हैं। और इस डिन रेल के यहाँ पर इस प्रकार से होल होते हैं, एक प्रकार से होल होते हैं, तो उस होल में जो है वो डिन रेल जो है वो पावर पैनल पे कनेक्ट हो जाती है, और पावर पॉइंट जो पावर आपके पास में पैनल है उस पे कनेक्ट होने के बाद में डिन रेल पर जो है वो एमसीबी को क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज पता चल गई होगी कि एमसीबी जो है उसके फैक्ट्स जो है अपनों ने क्या कर दिए, सारे क्लियर कर दिए कि एमसीबी के अंदर कितने फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब अपने और बातें कर लेते हैं एमसीबी के बारे में थोड़ा सा। देखो भाई एक टेबल बना रहा हूं, पोल और रेटिंग, पोल और रेटिंग एमसीबी के लिए ये बना रहा हूं मैं, पोल और रेटिंग। सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल या फोर पोल, ये यूज होता है 0.5 से 60 एम्पीयर के लिए, ये यूज होती है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर के लिए, ये भी यूज होती है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर के लिए, और ये भी यूज होती है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर के लिए। सिंगल फेज वाली वोल्टेज कितनी होती है, 240 वोल्ट, सभी को पता है। डबल पोल वाली की भी वोल्टेज होती है 240 वोल्ट, थ्री पोल की वोल्टेज होती है 415 वोल्ट, और फोर पोल की भी वोल्टेज कितनी होती है, 415 वोल्ट। तो जो आपकी एसी जो एमसीबी होती है वो 240 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट तक डिजाइन करते हैं, सिंगल पोल से लेकर फोर पोल तक जो आपकी एमसीबी जो होती है वो डिजाइन होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात तो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने देखो एमसीबी जो होती है इसी के जैसा एक अलग से डिवाइस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एमसीबी को ऑन लोड पर, ऑन लोड पर ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। ऑन लोड का अर्थ ये हो गया कि अगर आपके घर में लोड काम कर रहा है और लोड के रहते रहते अगर आपने एमसीबी को ऑफ कर दिया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसको ऑन लोड पर आप ऑन भी कर सकते हो और ऑन लोड पर क्या कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। और एमसीबी के अंदर आप सभी को पता नहीं पता हो शायद, एमसीबी के अंदर स्पार्किंग से बचने के लिए एयर स्प्लिटर लगे होते हैं, जो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और एल्यूमिनियम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो ग्रेट कंडक्टर होता है हीट का, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। एल्यूमिनियम जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो बर्तन होते हैं जिसपे आप चाय वगैरह बनाते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के स्प्लिटर लगे होते हैं जो एमसीबी के अंदर स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को ठंडा करने का काम करते हैं, ठीक है। और आप एमसीबी को ऑन लोड पर भी ऑपरेट कर सकते हो, ऑफ लोड पर भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ लोड ऑन लोड की बात इसलिए आती है क्योंकि
एक अलग सा डिवाइस होता है, बिल्कुल दिखने में किसके जैसा होता है, एमसीबी का, हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है उसको आइसोलेटर, आइसोलेटक हिंदी में बोलते हैं, पृथककारी हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथककारी, दिखने में बिल्कुल एमसीबी के जैसा, दिखने में बिल्कुल एमसीबी के जैसा, लेकिन यह ऑन ऑफ स्विच होता है, ऑटो ना तो ऑफ होगा ना ही ऑटो ऑन होगा, मैनुअली हाथ से आपको ऑफ कराना पड़ेगा, यानी अपने को खुद को ही ऑफ कराना पड़ेगा और खुद को ही ऑन कराना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, यह सदैव ऑफ लोड पर, ऑफ लोड या नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे सदैव या यह ऑफ लोड या नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है, किया जाता है। अब इसका कारण बताता हूं आपको, देखो क्यों, ठीक है। और जीएसएस में जो होते हैं ना, जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन, उनमें जीएसएस में इसे इसे जीओ स्विच के नाम से भी जानते हैं। जीओ स्विच का पूरा नाम होता है गैंग ऑपरेटेड स्विच, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसको ऑफ लोड पर ऑपरेट क्यों नहीं किया जाता। देखो आपको पता है जीएसएस में हो गया या घरों में कहीं पर जहां पर हैवी लोड होता है वहां पर आइसोलेटर लगे होते हैं। आइसोलेटर का मेन काम होता है सर्किट को ऑन ऑफ कराना, आइसोलेटर का मेन काम क्या होता है, सर्किट को ऑन ऑफ कराना, ठीक है। और अगर आपने हैवी लोड पर, यानी कि लाइन में लोड बहुत ज्यादा है और हैवी लोड पर आपने अगर आइसोलेटर को ऑफ कर दिया, आइसोलेटर में क्या होते हैं, यू कॉन्टैक्ट बने होते हैं, सभी को पता है यू कॉन्टैक्ट बने होते हैं, और जब आप आइसोलेटर को ऑन लोड पे बंद करोगे, ऑन लोड पे बंद करोगे तो आपको पता है कॉन्टैक्ट जो है वो टूटने का प्रयास करेंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटते हैं, जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट टूटेंगे आपको पता है बीच में एयर गैप आएगा, यू एयर गैप आएगा, और एयर गैप के आने से वहां पर हैवी स्पार्किंग बनती है। क्या बनती हैवी स्पार्किंग, और स्पार्किंग हैवी होने के कारण पार्किंग हेवी होने के कारण जो व्यक्ति उसको ऑपरेट करा रहा है उसको हानि हो सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। स्पार्किंग के कारण उसको ग्रंट भी लग सकता है, झटका भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए आपको पहले से बता दिया जाता है कि जो आपका जियो स्विच होता है या जो आपका आइसोलेटर होता है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, ऑफ लोड पर ऑपरेट करना चाहिए। कोई बच्चे ने अगर ये मन में क्वेश्चन हो कि सर जियो स्विच क्या होता है, वीडियो रुक रही है, आपस में बात ना करो भाई, राहुल टाक रवि टाक आपस में बात ना करो, देखो वीडियो सही चल रही है क्या, अब सही चल रही है, कोई एक बच्चा बताए थम्स अप करके सर सही चल रही है, और जिसके नहीं चल रही वो बताओ सर नहीं चल रही। रुक रही है वीडियो, अरे हाँ ना मत बोलो भाई, रुक रही है ये, हाँ का मतलब तो ये होता है सर सही चल रही है, देखना सभी एक साथ हाँ हाँ अरे ये बोलो सर रुक रही है या नहीं रुक रही, रुक रही है तो ये लिखो रुक रही है, नहीं रुक रही तो ये लिखो नहीं रुक रही। देखिए सही है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया, समझ गया मैं, भाषा सारी आती है मुझे, कौनी रुकरी का मतलब भी समझ में आ गया मुझे। अब देखो किसी बच्चे का अगर जियो स्विच नहीं देखा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ जियो स्विच कैसे होते हैं। देखो आप कभी भी किसी बड़े ट्रांसफार्मर के पास जाओ, कभी जीएसएस में जाओ या ट्रांसफार्मर के पास जाओ तो आप देखना ट्रांसफार्मर के ऊपर की ओर, ट्रांसफार्मर जैसे ये ट्रांसफार्मर है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। ये आपके पास पोल होते हैं और आपको पता है यहाँ बीच में आपका ट्रांसफार्मर रखा होता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से जो वायर ऊपर की तरफ जुड़ते हैं ऐसे, ठीक है, वो इस प्रकार से तीन, जो आपके पास में तीन पाइप लगी होती है, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से तीन पाइप लगी होती है ऐसे, ठीक है, एक दो तीन ऐसे, इस तरीके से वो पाइप जुड़ी होती है ऐसे, ठीक है। जब आप लोग देखेंगे कि वो पाइपें जो है वो कॉन्टेक्ट के अंदर इस प्रकार से टाइटेड होती हैं, कॉन्टेक्ट बने होते हैं,
और जब उस कॉन्टेक्ट को तोड़ना होता है तो ये जो आपके बीच की जो पाइप दिख रही है इसको नीचे की तरफ एक पाइप से जोड़ा जाता है और इसको ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो ये पाइप ये जो ये कॉन्टेक्ट है ये ऐसे टूट जाएगा। जब कॉन्टेक्ट टूटेगा तो आपको पता है यहाँ कॉन्टेक्ट के बीच में क्या बनेगी, स्पार्किंग। और ये जो पाइप है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की होने के कारण पूरी पाइप में क्या आता है, करंट आने लग जाता है स्पार्किंग के कारण, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो रही है तो नीचे खड़े व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गैंग ऑपरेटेड जियो स्विचेस जो होते हैं उनको हमेशा ऑफ लोड पर क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी जो विशेषता है वो बिल्कुल जो है एमसीबी की जैसी है। एमसीबी की रेटिंग जो है वो 60 एम्पियर तक मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसलिए 60 एम्पियर तक मैक्सिमम रेटिंग होती है, इसलिए जो एमसीबी होती है वो अपने क्या करती है, यहां लिख देता हूं मैं, आपको ये समझ में आ गया, उसमें स्पार्किंग कम होती है, ठीक है। अब दोनों के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों में सेम सी चीजें होती है और इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। रेटिंग देखो, सिंगल पोल अगर एमसीबी की बात करें तो 0.5 से 60 एम्पियर तक यूज होती है, लेकिन आइसोलेटर जो होता है इसी में आगे लिख देता हूं मैं, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल के लिए, ठीक है। देखो सिंगल पोल के लिए ये 30 एम्पियर, 60 एम्पियर और मैक्सिमम कितने एम्पियर के लिए, 100 एम्पियर के लिए यूज होता है। बाकी सब में 60 एम्पियर से 100 एम्पियर, यहां पर भी 60 एम्पियर से 100 एम्पियर और यहां पर भी 60 एम्पियर से 100 एम्पियर तक जो आपका आइसोलेटर है वो यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 30 एम्पियर से 60 एम्पियर या 30.60.60 एम्पियर, ठीक है। ये आपके पास सिंगल पोल हो गया, ये डबल पोल हो गया, ये ट्रिपल पोल हो गया और ये फोर पोल हो गया। अब आप बोलोगे सर सिंगल पोल डबल पोल का अर्थ क्या हो गया, तो ये चीज आपको एक ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर सिंगल पोल वाले के अंदर न्यूट्रल साथ होता है। सिंगल पोल वाले के साथ में क्या होता है, न्यूट्रल साथ में होता है। टू पोल के साथ में भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि एमसीबी जो होती है वो अलग अलग होती है, उसमें न्यूट्रल न भी हो और हो भी सकता है, लेकिन आइसोलेटर के साथ हमेशा न्यूट्रल होता है। तो आइसोलेटर फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ कट आउट करता है, एक साथ क्या करता है, कट आउट करता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास में कहानी थी ये किसकी हो गई, आइसोलेटर की हो गई, ठीक है। और अब देखो आज के लिए तो अपने इतना ही पढ़ने वाले हैं, आज के लिए अपने इतना ही पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास जो है उसमें अपने एमएमसीबी या एमसीबी की श्रेणियां जो है, जितनी प्रकार की श्रेणियां अपनों ने आज पढ़ी थी, एल जी श्रेणी, ओ श्रेणी, बी श्रेणी, जेड श्रेणी, के श्रेणी, डीसी श्रेणी, उन सारी श्रेणियों की बात करेंगे अपने कल, ठीक है। उसमें एक टेबल है, एक सारणी है, वो आपको मैं बता दूंगा। उस सारणी के बाद में आपको सारा चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू, एग्जाम रिव्यू की बात करते हैं। अपने एग्जाम रिव्यू की अगर बात करें तो एक चीज याद रखना, कुछ एग्जामों की मैं बात करता हूँ, डीएमआरसी जैसे हो गया, डीएमआरसी जैसे हो गया, या फिर आपके पास में अभी जो आप कह रहे हो कई बार राजस्थान में, राजस्थान बिजली बोर्ड के अंदर जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आने वाली है, या टेक्नीशियन ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, टेक्निकल हेल्पर उसको बोलते हैं, इसकी वैकेंसी हो गई, इसरो हो गया या डीआरडीओ हो गया, जितने भी आईटीएस रिलेटेड एग्जाम की रिव्यू बता रहा हूं मैं, बाकी डिप्लोमा की बात मैं अभी नहीं करूंगा, डिप्लोमा की बात अपने बाद में कभी करेंगे। आईटीएस रिलेटेड जितने भी एग्जाम है इनके अंदर 10 से 15 जो एमसीक्यू होते हैं, 10 से 15 जो एमसीक्यू होते हैं वो थ्योरेटिकल, या कभी कभी क्या कहते हैं कि 10 से 15-30 तक के जो एमसीक्यू हैं वो थ्योरेटिकल आ जाते हैं, थ्योरी टाइप के आ जाते हैं, उनमें थ्योरी दी जाती है, ठीक है। और बाकी जो आपके पास में है वो आते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स का मतलब हो गया सीधा, या तो अपने बोल सकते हैं सिद्धांत हो गया, ये हो गया, ठीक है। और न्यूमेरिकल वाले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। न्यूमेरिकल वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फैक्ट्स वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं या क्वेश्चन जो आते हैं वो भी गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। रहे आपके पास में ये जो थ्योरेटिकल प्रश्न जो होते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों के सबसे ज्यादा गलत होते हैं। और थ्योरेटिकल प्रश्न जो गलत होने का कारण ये है क्योंकि अपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। ये एक अपने ये कह सकते हैं कि ये एक जैसे अगर बोलें तो अब मुझे शब्द इस चीज के नहीं मिल रहे कि ये एक थोड़ा सा जो है आईटीआई वाले बच्चों जो बच्चे हैं या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी करता है ये उनकी कमी होती है कि वो बच्चे सिर्फ कंसेप्ट पर क्लियर करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को पढ़ देते हैं, न्यूमेरिकल सारा पोर्शन क्लियर कर देते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें जो है वो उनको ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते और उसी कारण से जो है एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर से वो क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसीलिए मैं ये थ्योरी सारी जो है ये बताता हूँ
अगर सीधे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाना होता तो ये क्लास जो है आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की 2 दिन में क्या हो जाती, कंप्लीट हो जाती। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसको ध्यान से पढ़े, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन साथ लेके बैठा करें। ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने कल पढ़ेंगे। थैंक यू।